हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मिक्स फ्रूट आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो हम बिना व्हिपिंग क्रीम, बिना दूध और बिना गैस जलाए बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक बर्तन में थोड़े से आइस क्यूब्स ले लिए हैं। सबसे पहले मैंने ये अमूल की फ्रेश क्रीम ली है 250 ml। इसे मैंने फ्रीजर में रख के थोड़ी देर फ्रीज कर लिया था। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। क्रीम को मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है। अब हम इसे आइस क्यूब्स के ऊपर रख देंगे और इसे इलेक्ट्रिक बीटर से हम तब तक बीट करेंगे जब तक ये सॉफ्ट और थोड़ी सी थिक ना हो जाए। आप इसके लिए हैंड विस्कर का भी यूज कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये क्रीम अच्छे से सॉफ्ट और थिक भी हो गई है। अब इसमें मैं 200 ml कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप अपने पसंद के कोई भी फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें एप्पल, बनाना और मैंगो ऐड कर रही हूँ। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी रेड और ग्रीन टूटी फ्रूटी भी ऐड कर देंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आइसक्रीम का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। इसे हम कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे। थोड़ी सी हम इसके ऊपर भी टूटी फ्रूटी डाल देंगे। अब इसे हम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे ताकि इसमें आइस क्रिस्टल्स ना आए। अब आइसक्रीम को हम 7 से 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए हम फ्रिज से फ्रीज कर लेंगे। आइसक्रीम को हमें रखे हुए 8 घंटे हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। अभी आइसक्रीम अच्छे से जम चुकी है, इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसके ऊपर हम रेड चेरी रख देंगे। अभी हमारी मिक्स फ्रूट आइसक्रीम सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।